दो दिन से नाले में घायल पड़ी हुई गाय की खबर लगते ही बचाने में जुटे सभी लोग खबर कराहल से है। जहां दो दिन पहले किसी दुर्घटना का शिकार हुई एक गाय जिसका एक पैर टूट चुका था, स्टेट बैंक के पास नाले में घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। बैंक में कार्यरत एक कर्मचारी की नजर इस दर्द से तड़पती हुई गाय पर पड़ी तो उन्होंने पशु चिकित्सालय, पंचायत, मीडिया और गौ सेवा संगठनों को अवगत करवाया। जैसे ही इस घटना की जानकारी संबंधित लोगों को मिली तो सभी मौके पर आ गए। पशु डॉक्टरों द्वारा गाय के पैर का सफल ऑपरेशन किया गया। कराहल पंचायत सरपंच सचिव ने जेसीबी मशीन द्वारा गाय को उठवा कर पशु चिकित्सालय में सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है और गाय के चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं बजरंगल के हेमंत ओझा भी गाय के उपचार को लेकर काफी सक्रिय रहे और उन्होंने कहा कि कराहल में गौशाला बन सके इसके लिए जल्द ही संगठन के लिए SDM साहब से मिलेंगे। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ पर घायल अवस्था में पाई गई, यहाँ पर SBI बैंक के पास में गंभीर हालत में पड़ी थी। हम लोगों ने आकर के आप और उन लोगों के मतलब सूचना के तहत हमने JCB बुलवा के और गैया को उठवाया और हॉस्पिटल के अंदर उसकी व्यवस्था की है। गाय का उपचार हो चुका है? हाँ, हो चुका है। हॉस्पिटल में इसके चारे और पानी की प्रबंधन के लिए कोई बात की गई है? हाँ, की गई है। जय श्री राम। गाय की मुझे सूचना मिली है, इस भारतीय स्टेट बैंक के सामने गाय पड़ी थी, इसका पैर कटा हुआ था, उसके पैर डॉक्टर की टीम बुलाई गई, पैर काट दिया है। अब पंचायत के माध्यम से गाय को उठवा के पहुंचा रहे हैं। हेमंत जी, सुन रहे हैं कि ये गाय को ये कह रहे हैं कि कहाँ रखें, गौशाला तो है नहीं, तो क्या होगा कि गाय इसी गड्ढे में डली रहेगी? ऐसा आएगा नहीं, नहीं, वो पंचायत के माध्यम से या तो पशु चिकित्सालय में या कोई व्यवस्था करके बात करके उनसे और जहाँ पहुँचा देगी वह गाय को पहुँचा दी जाएगी। ये जो गाय स्टेट बैंक के पास वाले नाले में पड़ी हुई थी, कब से ये गाय वहाँ से अवस्था में थी डॉक्टर साहब? विगत ये दो दिनों से हमको सूचना मिली थी कि ये घायल गोवंश वहाँ पर ये नाले के पास में पड़ा हुआ है। दो दिन से हम लगातार उसमें उसको उपचार कर रहे थे हमारी टीम द्वारा और आज, लेकिन उसकी स्थिति ज्यादा खराब थी तो हमने इसकी सूचना पंचायत विभाग को भी दी और तो सचिव वगैरह और साथ में ये बजरंगदल के मीडिया कर्मी भी मौके पर सहयोग से वहां उसको उठवा के लेकर आए उसको। उसके बाद उसके पैर का कंप्लीट फ्रैक्चर था तो उसको एम्पुटेशन किया गया। उसके बाद उसको सर्जरी के बाद उसको अभी बढ़िया अवस्था में है और सभी का इसमें काफी सराहनीय योगदान रहा। तो अभी गाय के लिए चारे पानी की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जा रही है डॉक्टर? देखिए, क्या है कि पंचायत विभाग का ये कार्य रहता है, इसमें किसी गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह गौशाला में स्थानांतरित करना, अगर कोई आवारा गोवंश है तो उसके भूसा चारे का प्रबंध करना, पशु चिकित्सा विभाग का कार्य तो केवल उपचार से संबंधित रहता है। चिकित्सीय जो भी सुविधा है वो हमारा विभाग उपलब्ध करा रहा है। तो अब इस कार्य के बाद गाय अभी ठीक अवस्था में? बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ गई है और उसको नियमित रूप से मॉनिटरिंग, उसको रेगुलर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका साथ में उसकी देखभाल की जाएगी।